नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। आज हम बात कर रहे हैं देश की मूड पे। लोगों को जब मैं फोन करता हूँ देश के कोने कोने में दोस्तों को, उसके बाद जो ट्विटर पे ट्रेंड आप लोगों के बीच हुआ वो देखते रहता हूँ, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे और टीवी चैनलों का डिबेट भी। और उत्तर प्रदेश का चुनाव है तब पता ही, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात होती रहती है। उन सबको देखने के बाद मैं सोचा आप लोगों से आज देश की मूड पे बात करूं। तो देश क्या चाहता है? देश वही चाहता है जो आप लोग चाह रहे हैं। देश बदलाव के मूड में है। जिस किसी से बात कर रहे हो वो चुनाव का इंतजार कर रहे, कहते मैं तो चुनाव का इंतजार कर रहा हूं, जल्दी चुनाव आए और बदलाव हो। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल बंगाल के रास्ते पे एक तरफा वोट करने जा रहे हैं। कई पार्टियां हैं लेकिन वो पार्टियों को छोड़ के एक मजबूत पार्टी को वोट करने जा रहे हैं, क्योंकि वो सारे युवा जिनको नौकरी नहीं मिली वो परेशान है। और आपको पता ही है युवाओं की कोई जाति नहीं होती है, किसानों की कोई जाति नहीं होती है। किसानों की जाति मतलब किसान, युवा मतलब युवा, बेरोजगार मतलब बेरोजगार। नौकरी पैसा, जिनकी नौकरी चली गई वो सब उन्होंने जाति भूल के एक मजबूत दल को वोट करने जा रहे हैं। पिछले चुनाव में यूपी में जो चुनाव लड़ा गया था केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे, लेकिन मुख्यमंत्री, एक पैरासूट मुख्यमंत्री को भेजा गया और जोगी बाबा मुख्यमंत्री बने, मौर्य जी को आउट कर दिया गया। उसका भी खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। जो ओबीसी जातियां हैं वो वोट नहीं करने जा रहे हैं, कुछ 2-4% लोग इधर उधर हो जाए तो हो जाए, लेकिन सब लोग मूड में है कि हम नहीं करेंगे वोट। तो बदलाव तो बिल्कुल निश्चित है यूपी में। जो देश की जो अल्पसंख्यक हैं, जिनके बारे में आप लोग अल्पसंख्यक कहते हो, मैं उनको बहुसंख्यक कहता हूँ, अल्पसंख्यक नहीं रहे हो, उनकी संख्या 20% है। आपको पता ही है देश जातिवादी टुकड़ों में बटा हुआ है, सब लोग अलग अलग जातिवादी मानसिकता के लोग भरे हुए हैं, जातिवादी पार्टियां हैं। तो किसी भी जाति से ज़्यादा वोट प्रतिशत है, अगर यूनाइटेड होकर मुस्लिम एक साथ अगर वोट करें तो किसी भी जाति से ज़्यादा है। और एक तरफ 20 से 21% मुस्लिम मतदाता प्लस समाजवादी पार्टी के अपने वोटर, सब मिला के मैं देख रहा हूं तो 65% बन रहा है। 65% मतदाता अभी आज के दिन में अखिलेश यादव के साथ है। और 65% मतदाता अगर एक साथ वोट करे, अगर कहीं से भी काट छट ना हो, तो भाजपा तो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, एक भी सीट जीतने के आसार नहीं दिख रहे इस कंडीशन में, आज के दिन में। चुनाव तक क्या होगा पता नहीं, बहुत सारे रैलियां और क्या क्या चल रहा है, काटने की कोशिश हो रही है। आज भी प्रधानमंत्री जी ने केशव प्रसाद मौर्य जी को बुलाया दिल्ली, बैठ के बात किया है, फोटो वायरल हुआ ही, आप देख ही रहे हैं। तो चारा डालने की कोशिश हो रही है, लोगों को लुभाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जनता का कहना है कि उससे अब कुछ नहीं हो सकता। लुभावने वादे तो आपने पहले भी किए, मिला क्या? जब मंत्री बनाना था, कहाँ मुख्यमंत्री बनाना था, आपने उप मुख्यमंत्री बनाया, स्टूल पर बैठा दिया और उपेक्षित रखा। तो ये सब चल रहा है। जैसे दिल्ली में सारे वोटर इकट्ठे होके भाजपा को आउट करने के लिए केजरीवाल को वोट किया था, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी होगा। आज के दिन में भाजपा से संबंधित जितनी भी पार्टियां हैं, लोग उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिए हैं। केजरीवाल जी को भी, अब जो आपकी पार्टी है उसको भी भाजपा का ही टीम मानना शुरू कर दिया लोगों ने। और वो कुछ केजरीवाल जी की गलतियों के कारण, क्योंकि उनका अभी बोलती बंद है, किसी भी बात पर आवाज नहीं उठाते हैं देश के मुद्दों पर। और दिल्ली में जो हुआ आप देख ही रहे थे, दंगों के समय क्या हुआ, कितना अत्याचार हुआ, और अपने कोर वोटर के साथ वो खड़े नहीं हुए। जो भी कारण हो, जिस किसी कारण से भी हो, केजरीवाल जी आगे नहीं आए। क्यों मुंह बंद था उनका पता नहीं, क्या वो भी पेगासस का शिकार हो गए होंगे? हो सकता है उन्होंने कुछ गलती करी होगी और जिनकी फाइल बनी हो, तो वो बोलती उनकी बंद है। जनता, पूरे देश की जनता की बात, यूपी के बाद हम देश पे आ जाते हैं, देश की जनता बदलाव के मूड में है। कई लोगों को देख रहा हूं आजकल मजाक बना के रखा हुआ है आरजी के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, और कांग्रेस की, भाई वो तो लड़ता ही नहीं है। वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा है कांग्रेस के पास, सीटें कम आई है लेकिन वोट ज्यादा मिला है। आप देखिएगा डाटा में तो आपको दिख जाएगा कि सबसे ज्यादा वोट मिला, सब कुछ मिला, थोड़ा 2-4, 10 हजार का अंतर है भाजपा से, लेकिन सीटें कम आई। लेकिन राजस्थान में तो उनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, पंजाब में भी है, उधर साउथ में भी गठबंधन की सरकार है, और झारखंड में भी है, सीटें बिहार में भी आती है और यूपी में भी आएंगे। तो कांग्रेस मजबूत स्थिति में है,
और जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो कांग्रेस के साथ है 2024 के लिए। उत्तर प्रदेश में अभी वो असमंजस में है, वो जुड़ना नहीं चाह रहे हैं, वो नहीं चाहते कि मेरा वोटों का बंटवारा हो। अगर वोटों का बंटवारा हुआ, कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है, तो कांग्रेस के साथ जाने के मूड में नहीं है अभी, आज की जो स्थिति लग रही है। अगर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए तो हो जाए। आप लोग कहेंगे कि ये किसके लिए बात कर रहा है, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा। मैं किसी पार्टी के लिए बात नहीं कर रहा, जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ आज। बाकी जो जनता मालिक है किसको वोट करेंगे नहीं करेंगे, और आप पंजाब में कितना भी वोट काट लेंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह आए हैं वो राजा राजशाही अपना दिखाने के लिए, क्योंकि राजा है, उनको प्रजा पर शासन करने का आदत पड़ा हुआ है, और पीछे शुरू से ही जब राजवाड़ा था तब से शासन करते आ रहे, लोगों को गुलाम बनाने की आदत पड़ी हुई है, तो बिना सत्ता के नहीं रह सकते, तो वो सोच रहे कि चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पंजाब बहुत ही जानते हो कि कैसे है, सबसे जागरूक व्यक्ति होते हैं पंजाब के सरदार लोग, उनको पता है क्या करना है। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ भाजपा और अमरिंदर सिंह कामयाब होंगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी वहाँ भी, और 2024 में भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के जीतेंगे। तो कांग्रेस के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आने वाले हैं भविष्य में, वो राजस्थान से आएंगे, छत्तीसगढ़ से आएंगे, झारखंड से आएंगे, मध्य प्रदेश में 50-50 तो ऐसे ही है। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार बन गई थी, वो तो MLA 22 MLA तोड़ के बनाए हैं, तो कांग्रेस तो वहाँ मजबूत है ही मध्य प्रदेश में। तो 2024 में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस वहाँ से भी आएंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, महाराष्ट्र से आएंगे, साउथ से आएंगे, तो कांग्रेस ही बहुत अच्छी स्थिति में है आज के दिन में, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। और उनकी संख्या, उनका खुद का अपना सीट 200 से ऊपर होगा अभी के हिसाब से, आज के माहौल में। फ्यूचर में और भी बढ़ेंगे उनका, और भी गठबंधन बढ़ेगा। देश की जो अल्पसंख्यक समुदाय है राहुल गांधी के साथ है 2024 के लिए, और राज्यों में जहां उनकी सरकार है कांग्रेस की, वहां अल्पसंख्यक उनके साथ जुड़ा हुआ है। और वही अल्पसंख्यक पहले शिवसेना के साथ तो नहीं थे, लेकिन गठबंधन होने के बाद महाराष्ट्र में तीनों तीनों पार्टी को, कांग्रेस, शिवसेना, शरद पवार जी की पार्टी के साथ है, क्योंकि वो मजबूत है, गठबंधन है। और आप देख रहे हैं कितना शांति है वहाँ, कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि बकवास कर लीजिए, भगवाधारी जो गमछा लेकर लड़ाने लगते हैं उनकी हिम्मत नहीं, उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। और यही हाल कांग्रेस राज्यों में है, किसी की हिम्मत नहीं कि बकवास कर ले। कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश में जनता अभी एकजुट है, जागरूक है, और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं अभी के माहौल में, अगर कोई वोट का काट छाट न करे। और मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम वोट बटेगा, किसी पार्टी और दूसरे पार्टी की तरफ जाएंगे, मुझे नहीं लग रहा। और जिधर मुस्लिम एक तरफा वोट करेगा उसकी सरकार बनेगी। यह है उत्तर प्रदेश का। तो बाबा तो गए, बाबा का कोई चांस नहीं। जय हिंद, जय भारत।